भाई यहाँ पे सामने सेंटर शाहरुख खान सलमान वाले बिरयानिया ले जाएंगे अबू कृष्णा अबू भेजो अबू आप हमारे यहाँ सबको पीछे करना मेरा बुरी है ना एकदम मेरे जैसी है करे भाई करे हां चल चलो जरा चलो 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 बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ है और जो मॉर्निंग का सेलिब्रेशन था वो मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करता हूँ और बहुत अच्छा फील होता है बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ में भी मैं मिलने जाता हूँ बट मेरा ये कन्फर्म है कि मैं मेरे बर्थडे वाले दिन अगर सुबह आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ बर्थडे की शुरुआत भी अच्छी हुई है और फिर दिन भी अच्छा होगा और रात भी अच्छी जाएगी फैमिली के बारे में बहुत कुछ कहती है कि अभी वो फैसला नहीं रहा बट मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के क्योंकि जो भी है बहुत अच्छा है पॉजिटिव फीडबैक है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ ये लोग बोल रहे हैं और मेरी फैमिली बोल रही है तो बस मैं यही है कि जो लोग जितने भी एक्सपेक्टेशन रखे थे कि ऐसा कुछ होगा आगे चल के वो हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जर्नी है ना मेरी ये थोड़ी सी खतरों से ज्यादा भारी पड़ रही है मुझे क्योंकि एज अ नॉन डांसर मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपना 100% दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आसान तो नहीं होती है बट ये है कि अगर उस चीज को दिल लगा के अगर सीखा जाए और अपना पूरा पूरा टाइम दिया जाए अच्छे से उस चीज का एक्सपीरियंस लिया जाए तो ज्यादा दूर नहीं होती है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं डांस कर सकता हूँ और अच्छा भी करूंगा मैं आगे चल के क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉन डांसर मतलब अभी सही से मेरे को देखा जाएगा तो डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है शो में बट जजेस के फीडबैक से और बाकी सारी चीजों से
हमारे कंटेस्टेंट जो है उन लोगों के फीडबैक से मुझे ऐसा है, मतलब खुद में एक्सपेक्ट हो रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह और भी अच्छा आगे करूँगा। हाँ मतलब 12 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस तो हो रही है और प्रैक्टिस जो है मतलब कभी कभी 12 घंटे से ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो कभी कभी टेक्निकल पे भी बेस होता है। तो अभी लास्ट एक्ट जो था हमारा वो डिस्प्ले का था, हमको डिस्प्ले बहुत लेट मिला था, तो ये था कि मतलब उसमें हम लोगों को 1-2 में पूरा एक दिन में ही सीखना था। टेक्निकल का डे था उस दिन, हम लोगों को नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस था, तो उस दिन बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, बट यही है कि हमारे कोरियोग्राफर्स है, हमारे जो सर है स्वप्निल सर, परम सर, परम भाई, तो जो ऐसे उनके टैक्टिक्स होते हैं ना सिखाने के, वो बहुत बेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि मतलब मैं अच्छा डांस कर रहा हूँ। खतरों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था और मैंने बहुत सारे चीजें देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको जीतना था, ऐसा था वैसा था। मैं गाइस आप लोगों को यही कहूंगा कि जो मेरी नसीब में वो मुझे मिलेगा, जो मेरी नसीब में नहीं वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं बोलूंगा गाइस कि मेरा हमेशा से ये शो हो चाहे झलक हो या आने वाला शो भी हो, मेरे लिए ट्रॉफी मायने रखती है मगर उससे ज्यादा मेरे लिए लोग मायने रखते हैं, उनका दिल मायने रखता है और मेरा दिल मायने रखता है। बस मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। ये मेरी कोरियोग्राफर वैष्णवी, इसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है 2 महीने के अंदर, इतना अच्छा डांस करती है ये। मुझे पहले एपिसोड में माधुरी मैम ने कहा था कि देखो फैसु आप अच्छा डांस कर रहे हो, मतलब आपने वैष्णवी को मैच कर लिया, वो इतना फास्ट डांस करती है, आपने उसको कैसे मैच कर लिया? जी इतनी तारीफ मत करो, बट वही है जो चीज वो है। और मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा कि वैष्णवी बहुत अच्छा डांस करती है, कभी कभी रिहर्सल में ये हो जाता है कि मेरे से परेशान हो जाती है, मगर मैं सच में उसको बोलना चाहता हूँ आप बहुत फास्ट डांस कर रहे हो। अच्छा डांस कर रहे फैजू, क्योंकि सच्ची में उनके जो फैंस है जो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते, इवन मैं खुद, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि फैजू इतना अच्छा डांस करेगा, बट फैजू अभी प्रॉपर डांसर बन चुके हैं ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपके साथ इसने अच्छा डांस हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।